क्या हुआ रिपोर्ट को मेरी? क्या हुआ? रिपोर्ट को कुछ नहीं हुआ, हुआ आपको है। क्या हुआ मुझे? डायबिटीज। व्हाट? और बीमार आदमी सिर्फ चार रसगुल्ले दे दीजिए, सिर्फ चार रसगुल्ले बस। आप सिर्फ एक ही रसगुल्ला खाएंगे? अंगूरी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो अनु, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर अपने पति की जिंदगी की हिफाजत करना गलती है विभू, तो मैं ये गलती करूंगी। बहू, ये दूसरी बार है रहा है बहू? है रहा है? I mean, हो रहा है? क्या हो रहा है? यही कि तू सासू माँ को देख के ऐसे चीखी है जैसे तूने कोई भूतिया नहीं या चुड़ैल देख रही हो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सासू माँ ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या था ना कि मैं ध्यान में बैठी थी, फिर ध्यान टूट गया तो मैं थोड़ी घबरा गई। एरी, ऐसी कौन सी तू विश्वामित्र है रही है जो इंद्र का सिंहासन हिलाने को ध्यान में बैठी? नहीं नहीं सासू माँ, छोड़िए ना ये सब। आप बताइए आप कैसी हैं? अगर मैं कह दूं कि मैं बीमार है रही हूँ तो क्या कर लेगी? तो मां मैं आपका इलाज कराऊंगी। ओहो, तो तू मतलब चाह रही है कि मैं बीमार है जाऊं? अरे अरे अरे, मैं क्यों चाहूंगी कि आप बीमार हो जाए? अच्छा ठीक है, खचेड़ू को बुला, मैं उसके लिए बेसन के लड्डू बना के लाई हूँ अपने हाथ से। वो खचेड़ू अपने दोस्त से मिलने गए। ओ, दोस्त से मिलने गया है? तो फिर खचेड़ू में इतने खै क्यों लगा रही है? नहीं सासू मां, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा ठीक है, मेरी बात करवा फोन पे। वो क्या है ना सासू मां, आज तो विभू अपना मोबाइल ले जाने भूल गए। ओहो, फोन भी ना ले गया ये खचेड़ू, क्यों ना ले गया ये फोन? मुझे पता नहीं सासू मां। अच्छा ठीक है, जब खचेड़ू आएगा तब उसे अपने हाथों से लड्डू खिला के मैं जाऊंगी, तब तक रह लेती। नहीं नहीं सासू माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अब विभू का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब आएगा। अरे तो ठिकाना इस बात का तो है कि वो घर आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है फिर, मैं अपने हाथों से ही उसे लड्डू खिला के जाऊंगी आज। वैसे सासू माँ, इफ यू डोंट माइंड, इतने लड्डू खाएंगे तो विभू का शुगर लेवल नहीं बढ़ जाएगा? अरे जा, अरे माँ के हाथ के बने हुए लड्डू है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, कुछ ना बढ़ेगा। कि सब छोड़, यूं बता कि तू यहाँ आके अपने संस्कार क्यों मटिया पलेट करके बैठ गई है? क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया सासू माँ? ऐसा क्या कर दिया सासू माँ? अरे इतनी देर से आके सासू माँ बैठी है, तूने चाय नाश्ता पानी कुछ पूछा? अरे सॉरी 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 सासू माँ, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसे देख रही हूँ यहाँ के बहू बदल गई है, है? मेरे पास ही तो बिल्कुल ठीक ही, यहाँ के पर निकल आए चींटी के। प्रणाम चाची जी। प्रणाम, कौन है रहा है तू? बैठ बैठ, तू तो वही है ना जो कच्चे बनियान बेचे रेडी पे? रेडी पे? चाची जी हमारी तो शॉप है। अरे जा, रेडी पे तिरपाल लगा के शॉप है कहीं तेरी? अच्छा आया क्यों है तू यहाँ? वो भभूती जी से मिलने आए हैं। अरे खचेड़ू ना है घर में? ना है? ना, वो तो ऊपर ही है, भाभी ने बंद कर रखा ऊपर कमरे में। क्या बक रहा है तू? सही बक रहे, कह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब बहू ने खचेड़ को किडनैप कर रखा है। ये लीजिए सासू माँ गर्मा गर्म। तिवारी जी आप? जी। अरे मेरी सासू माँ कहाँ चली गई? वो तो ऊपर निकल ली। क्या? नहीं, मतलब ऊपर गई है भभूति जी से मिलने। What? लेकिन उन्हें कैसे पता लगा कि विभू ऊपर है? हमने बताया भाभी जी। क्यों जी, आप भी ना, क्यों बताया? बेसन के लड्डू लेकर आई है, खिला देंगी विभू को और उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। हे भगवान, लगता है कि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, निकल ले बे तिवारी, निकल ले। अरे खचेड़ू, तुझे कैद कर लिया है बहू ने? मम्मी, कल रात से ना मुझे अनु ने इस कमरे में कैद कर रखा है, ना पानी दे रही है, ना खाना दे रही है, ना कि जाने दे रही है, मैं यहाँ फंसा हूँ। परी जी बहू किस जन्म का बदला ले रही है मेरे लाल से? सासू माँ क्या बोल रही हैं आप, मैं क्यों बदला लूंगी विभू से?
एरी तू डाकू सुल्ताना है रही है, है? क्यों कैद कर रखा है मेरे लाल को अपने घर में? वो झूठ बोल रहा है आपसे। ओहो, खचेड़ू झूठ बोल रहा है। और ये बेडरूम के दरवाजे पे लगा हुआ ताला, ये झूठ बोल रहा है? है? बोल। असल में तो झूठ तूने मुझसे बोला है बहू, कि खचेड़ू बाहर गए हैं। आपको पता नहीं है ये लड्डू विभू के लिए जहर है जहर। हाय राम, अरे तेरा दिमाग ठिकाने, क्या कह रही है तू? है? तू क्या कहना चाह रही है कि मैं अपने खचेड़ू के लिए जहर के लड्डू बना के लाई हूँ? आप समझती क्यों नहीं है जाजू माँ, विभू के शुगर लेवल्स बहुत बढ़ गए, 350 हो गया उसका शुगर लेवल। अगर ये लड्डू वो खाएगा उसके शुगर लेवल्स और बढ़ जाएंगे। बहू बहू बहू, ये माँ के हाथ के बने लड्डू हैं। अरे इससे खचेड़ू को कुछ ना होगा मेरे लाल को, तू फिकर ना करे। मम्मी, अनु को गलत फहमी हो गई कि मुझे शुगर है, हालांकि मुझे शुगर नहीं है मम्मी। और अगर मुझे इस कमरे में और देर रखा गया ना तो मुझे स्ट्रेस से टेंशन से शुगर हो जाएगी। ओले ले 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 मेरा लाल, अरे तो कुछ ना होगा, मैं भी तुझे बाहर निकालूंगी। विभू, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले। अरे क्यों ना निकलेगा? क्योंकि सासू माँ आपको पता नहीं है, उसे मीठे का अटैक आने लग गया है। आपको पता है कल क्या हुआ था? कल वो तिवारी जी के घर पे जाकर रसगुल्लों पर अटैक कर रहा था। अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। तुम रहने दो, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। प्लीज एक मौका दो ना मुझे, अब नहीं खाऊंगा। प्लीज प्लीज, तू मेरे हाथ के बने बेसन के लड्डू भी ना खाएगा? नहीं खाऊंगा मम्मी, नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा, बस मैं मम्मी आपसे एक बार गले मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। मुझे मेरी माँ से गले मिलने दो, बस मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। और दूसरी बात ये कि ये जो भी कुछ कर रही है अनु, मेरे भले के लिए कर रही है ना माँ। ये तुम्हारे सुर कैसे बदल गए? अरे बहू, ये तो बचपन से ही सुरीला है। बस अनु प्लीज एक बार मुझे मेरी माँ के गले लगने दो, बस तुमसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता, बस एक बार मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। देखो विभू, मैं खोल रही हूँ लेकिन कोई गड़बड़ मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं। माँ मिलो गले। माँ मुझे पता था कि तुम ये कुछ करने वाले हो। बदमाश कहीं का मौकर, गले लग रहा था। लड्डू मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी, मैं आपको बाद में दे दूंगा हगी, लेकिन इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? लड्डू खा रहा था यार। मैं नहीं खाने दूंगा आपको लड्डू। क्यों नहीं खाने दोगे लड्डू? अरे नफरत है मुझे लड्डूओं से भैया। नफरत तुम्हें है तुम मत खाओ यार, लेकिन मुझे तो लड्डू पसंद है। आई लव लड्डूज यार, गिव मी दैट। अरे भैया नहीं भैया, प्रॉब्लम है कि जब भी मैं किसी को लड्डू खाते हुए देखता हूँ ना तो दौरे पड़ते हैं मुझे, बड़े भयानक वाले दौरे पड़ते हैं, इसलिए ना मैं खुद लड्डू खाता हूँ ना किसी को खाने देता हूँ। भैया सच है ना, ये मेरी माँ के हाथ के लड्डू हैं, अगर तुमने लड्डुओं को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ धड़ से अलग कर दूंगा। भैया देखिए, आपकी माँ के हाथ के लड्डू हों या आपकी दादी के हाथ के लड्डू हों, मेरे लिए लड्डू हैं और मैं आपको ये नहीं खाने दूंगा। सक्सेना मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें इतना पीटूं कि तुम्हारी सात पुश्ते गंजी पैदा हूं। अरे भैया मार खाने का शौक तो मुझे बहुत है, लेकिन पता है आपको, आज इस लड्डू के जार की वजह से ना मैं आपको मारूंगा, पीटूंगा, कूटूंगा, रगड़ूंगा आपको। सक्सेना ये जार यहां रख दो। ये लो। अरे भैया तो माँ का दूध पिया है ना अगर, तो इसको उठा के दिखाओ, यहां से हाथ लगा के दिखाओ, खा के दिखाओ ये लड्डू, देखो। तिवारी जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे लड्डू खा रहे हो और क्या कर रहे हैं? ये मेरी मॉम के हाथ के लड्डू हैं,
रखिए वापस, वापस रखिए इसको। अरे मॉम के हाथ में तो बहुत ही टेस्टी है भाई, बहुत बढ़िया बात। मैं क्या, वापस रखिए आप। अबे सक्सेना, ये कहाँ का इंसाफ है? हम नहीं खा सकते, ये खा सकता है क्यों बे? सक्सेना तिवारी जी, तिवारी जी, सक्सेना जी, आई एम सॉरी। हाँ, बुलजाई, तोड़ गए। ओह गॉड, सारे लड्डू खा गया। नेवर माइंड, चीनी, चीनी, आई लव चीनी। डॉक्टर साहब, अब बताइए ना, ये ठीक तो है ना? इनके बचने के चांसेस कम है। क्या बोले? वो कुछ भी बोलते हो, चुप रहो। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ इनको? भाभी जी, बस रिपोर्ट आने ही वाली है, अभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे यार, ये दूध तो पीते ही नहीं है, खून पीते हैं। क्या बोले? देखो, जहाँ तक आंखें खुलवाने का सवाल है भाभी जी, तो अभी खुलवा देते हैं आंखें। तिवारी भैया, ओ तिवारी भैया, अरे कैसा फील कर रहे हैं? रिश्तेदारों को बुला लें क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? लो, खुल गई आंखें। क्या लड्डू के भैया, कैसे फूल कर रहे हैं आप? भाभी जी, इट्स नॉट फूल, इट्स फील। कैसा फील कर रहे हैं? पकड़े हैं। और कैसा लग रहा है? चक्कर से आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे मुबारक हो दीवारी भैया, आप मां बनने वाले हैं। अरे हां, मुबारक हो लड्डू के भैया। अंगूरी जी, क्या बोल रही हैं आप? सोचिए तो बोलिए। डॉक्टर साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, बस भाभी जी ऐसे मजाक किया था। अरे आप जोकर हैं क्या? ऐसी स्थिति में आप मजाक कर रहे हैं? अब हमें खुशनुमा माहौल में तो हम लोगों को बुलाया नहीं जाता है, जब कहीं सीरियस मैटर होता है तभी हम लोगों को बुलाया जाता है, तो कभी कभी थोड़ा सा मजाक फेल देते हैं। अरे ले आए रिपोर्ट? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वो जाते हुए ठेके से जा। बताते हैं भाभी जी, बताते हैं। अरे बाप रे बाप,
क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या लिखा है सर रिपोर्ट में? क्या हुआ क्या है? तिवारी भैया, वेलकम टू द डायबिटीज क्लब। हाँ हाँ, आपने तो शुगर के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। क्या बक रहे हैं आप? इनकी शुगर कितनी है इधर बताइए। अरे विभूति भैया, शुगर के मामले में इन्होंने आपका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। 450 लेवल है इनका। है? Oh my God, डॉक्टर साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं है। ये जो आप मुझे चिड़ा चिड़ा के मिठाइयां खा रहे थे ना, ये उसका नतीजा है तिवारी जी। डॉक्टर साहब, इनको कौन दवाई दीजिए ना, इनका शुगर बहुत ज्यादा है। हाँ भाभी जी, घबराइए नहीं, मैं अभी इनको इंसुलिन का टीका लगा देता हूँ, शुगर में आराम मिल जाएगी। हाँ? अरे ये तो विभू की रिपोर्ट है ना। भाभी जी रख दीजिए, पुरानी है वो, पुरानी रख दीजिए, रख दीजिए। नहीं नहीं, इस पे तो करंट डेट लिखी हुई है। एक मिनट, लेट मी सी। इतना सा रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मेरी शुगर भी 110 है। 110? Yes. लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो रिपोर्ट घर पे दी थी उसमें विभू के शुगर लेवल 350 थे। yeah. इसकी वजह तिवारी जी से पूछिए। जी, आप मतलब आपने डॉक्टर साहब को कहा था गलत रिपोर्ट देने के लिए? जी भाभी जी, वो दरअसल हमी ने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर वो भभूति जी की रिपोर्ट गलत बनवा दी थी। वो क्यों तिवारी जी, व्हाई? वो इसलिए भाभी जी, क्योंकि भभूति जी वो मिठाई कुछ ज्यादा ही खा रहे थे। तो मिठाई मैं अपने पैसों से खा रहा था, आपके पैसों से मिठाई नहीं खा रहा था मैं। दरअसल आपका मिठाई खाना हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हम चाह रहे थे कि आप ये मिठाई खाना छोड़ दें। क्यों? लेकिन व्हाई, क्यों छोड़ दें? क्योंकि उससे हमें लगा कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बस इसलिए हमने ये सब नाटक किया। एम आई राइट? पता नहीं मुझे। अबे डॉक्टर सुन तो, ये तो चला गया। ये बताइए कि अचानक इतनी ममता क्यों उड़ेल रहे थे आप मेरे ऊपर? दरअसल हम नहीं चाहते थे कि आपकी वजह से भाभी जी को सफेद साड़ी पहननी पड़े, क्योंकि भाभी जी वैसे ही इतनी गोरी है तो सफेद साड़ी उन पे अच्छी नहीं लगती। तिवारी जी, यू आर सो ग्रेट, आप कितने महान हैं, आपने विभू की शुगर अपने सर ले ली। लेकिन अब इनकी शुगर कौन लेगा? भाभी जी, लड्डू के भैया का शुगर मैं लूंगा तो नहीं, लेकिन इनका जो शुगर लेवल है वो जगह पर ले आऊंगा। और माफ कीजिएगा भाभी जी, आप भी सफेद साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि आप भी काफी गोरी हैं। अब देखिए मैं इनसे किस किस तरह की कसरतें करवाता हूँ। हमें पता है कि आप कसरतें के बहाने अपनी हसरतें निकालना चाहते हैं। वर्कआउट है ना, ये कहाँ बाहर मोहल्ले में, इतना भगाऊंगा कि थोड़ी देर बाद चले। नहीं अभी चलते ना, नाश्ता पानी ले ले। नहीं आने के बाद कीजिएगा, ज्यादा मजा है। सुनिए तो सही, कर आप तिवारी जी, कर आप इनसे अच्छी किस्मती करवाई है। चलिए चलिए ना, कमान 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 कमान, चलिए चलिए। हेलो, कभी यूं भी हो कि जब हम अपनी पलकें खोलें तो भाभी जी का मासूम चेहरा नजर आए, कभी यूं भी हो कि जब हम अपनी पलकें बंद करें तो भाभी जी हमें ख्वाबों में नजर आए।
कभी यूं भी हो, लेकिन यार ये होता नहीं। सुबह सुबह जब भी आंख खोलो तो अनु का गुस्से से भरा चेहरा नजर आता, लेकिन ये सिलसिला तोड़ना पड़ेगा। आज हम अपनी सुबह का आगाज भाभी जी का मासूम चेहरा देखकर करेंगे। अपनी आंखें तभी खोलेंगे कि भाभी जी हमारी आंखों के सामने हो। कौन है बे? कौन है बे? मेरे सिवा इस घर में और होगा कौन? ओ, अनु तुम हो। मैं देख नहीं रहा है, ये आंख क्यों बंद कर रखी है तुमने? डार्लिंग वो आंख खोलने में ना बहुत तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, तुम्हें आंख खोलने में दर्द हो रहा है विभू? मेरे ख्याल से तुम्हें कंजक्टिवाइटिस हो गया है। एक्चुअली सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं बाहर बालकनी में खड़ा होऊंगा ना तो फ्रेश एयर लगेगी मेरी आंख को, तो मेरी आंख बेटर हो जाएगी। मुझे बालकनी में खड़ा होना चाहिए, दैट्स बेटर। ये क्या लॉजिक है? खैर जो भी है, जब तुम्हारी आंख खुल जाए ना विभू, तो देखो ना किचन में कितने सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, उसे प्लीज धो देना। उसके बाद तुम्हें नाश्ता भी बनाना, नहीं तो मुझे ग्रूमिंग क्लासेस के लिए लेट हो जाएगा। चलो अभी आंख खोलो फटाफट। अनु क्या हुआ? ये दरवाजे पर छोड़ दोगी? क्या तुम्हारे ये चोचले हैं रोज रोज के, क्या लॉजिक है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी लेट हो रहा है। ये क्या रख दिया? हे भगवान, बस तुझसे एक ही विनती है, जैसे मैं आंख खोलूं मेरे सामने भाभी जी का मासूम चेहरा हो, बस। ओके ऑलराइट, 1 2 3। हाय विभूति भैया।